तो हम धनु लगन में शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे, जब शनि धनु लगन की कुंडली में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं। इस वीडियो में देखेंगे अगर शनि आपके धनु लगन की कुंडली में दशम भाव में स्थित हो और अगर ऐसे में आपको शनि की महादशा आ रही हो तो किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेंगे। शनि यहाँ आपके दशम भाव में स्थित है तो वो कन्या राशि में स्थित रहेंगे। शनि आपके चार्ट में दूसरे और तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से यहाँ शनि का स्थित होना आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर यहाँ शनि वक्री स्थिति में है या अस्त हैं तो और भी अच्छा है ये आपके लिए, लेकिन अगर शनि डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा बली हैं और अपना पूरा इफेक्ट डाल रहे हैं, अपना पूर्ण प्रभाव दे रहे हैं आपको 10th हाउस में, तो हो सकता है आपको अपना करियर बनाने में शुरुआत में बहुत ज़्यादा बाधाएं आएं या आपका करियर थोड़ा सा लेट सेटल हो, लेकिन आप वास्तव में एक समय बाद करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। अब यहाँ शनि का स्थित होना ये दिखाता है कि जातक अपनी खुद के दम पे, अपने खुद के बल पे वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा और वो पूरे डेडिकेशन के साथ काम करने वाला होगा, अपने काम में बहुत ज़्यादा ईमानदारी रखने वाला होगा। अब आप शनि से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन अपने लिए चुन सकते हैं, जैसे आप एक एडवोकेट हो सकते हैं, एक अच्छे टीचर हो सकते हैं या कोई बहुत बड़ी कोई सोशल सर्विस वाली पोस्ट आपके पास हो सकती है। तो ज़्यादातर यहाँ पर शनि स्थित होगा तो आप कोई भी सरकारी पद पे भी हो सकते हैं। अब आपको देखना है आपके चार्ट में बुध कैसी स्थिति में है। आपके चार्ट में अगर बुध बहुत मजबूत स्थिति में है या फिर उनका संबंध 10th हाउस से है किसी भी प्रकार से, तो निश्चित ही यहाँ पर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अब शनि की जो महादशा है आपको कौन सी एज में आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि शनि की महादशा आपको बहुत लेट एज में आ रही है, बहुत अर्ली एज में आ रही है या मिड एज में आ रही है। अगर देखिए किसी भी जातक को शनि की महादशा बहुत अर्ली एज में आती है, 5 या 10 साल की आयु में, तो उस समय आप ज़्यादा कुछ अपने करियर में कर नहीं पाते क्योंकि आप अभी अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब आपका कुछ सालों पहले ही जन्म हुआ और उसके बाद ही अगर आपको शनि की महादशा स्टार्ट हो जाती है तो हो सकता है कि आप उतने अधिक एजुकेटेड नहीं है काम करने के लिए या उतना अच्छा क्वालिफिकेशन आपका है नहीं, तो ये जो समय रहेगा अब आपको अपने स्टडीज़ वगैरह पे ही ध्यान देने के लिए रहेगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा स्टडी वगैरह में भी यहाँ पर शनि स्लो कर देता है, इस वजह से आपको स्टडी करने में या हो सकता है कि चीज़ों को लर्न करने में, सीखने में थोड़ा रुकावटें आ सकती हैं या देरी हो सकती है। अब शनि की दशा अगर आपको बहुत अर्ली एज में आ जाए तो इसमें आपको परिवार से जो सपोर्ट मिलता है या परिवार से जो आपको परवरिश मिलती है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आपके लॉन्ग लास्टिंग रहेगा लाइफ में और आपके आगे जाकर ये जो वातावरण आपको फैमिली के द्वारा मिला है या जो प्रोटेक्शन या जो परवरिश आपको फैमिली से मिलती है उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। आपकी मेंटलिटी पर भी इसका बहुत गहरा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो शनि यहाँ पर आपके जो 4th हाउस से रिलेटेड जो रिज़ल्ट हैं उनको भी प्रभावित करेंगे और ऐसे में हो सकता है कि माता पिता ने आपको बहुत ही सीरियसली पाला, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ पाला है आप लोगों को। अब देखिए किसी की अगर ये दशा 25 साल या 30 साल की आयु में स्टार्ट हो रही हो तो ये बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा आपको अपने लिए करियर चुनने के लिए और करियर बनाने के लिए। अब अगर 25 या 30 साल की आयु में यह दशा आती है तो आपको ऐसा शनि बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग बनाएगा, आप अपने खुद के बल पे, अपनी खुद की मेहनत के बल पे अच्छा नाम कमाएंगे और आप पैसा भी अच्छा कमाएंगे, लेकिन आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता रहेगी, आपके करियर में, आपके आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे और एक अच्छी स्थिरता देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि आपकी ग्रोथ ज़रूर स्लो हो सकती है अगर शनि दशा आ जाए तो, लेकिन वास्तव में आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा भौतिक प्रवृत्ति के होंगे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने को देखेंगे लाइफ को, बट आपकी जो जो रिक्वायरमेंट हैं एक सिंपल लाइफ जीने के लिए उसी प्रकार की जो रिक्वायरमेंट्स उनको आप आसानी से पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ जो शनि की स्थिति है ये अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है और इस दशा में आप मेनली अपने करियर पर फोकस्ड रहने वाले हैं। तो अब आप कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना एफर्ट लगा सकते हैं अपने करियर में, अपने काम में, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए शनि है वो आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे शनि की दशा में आप वेल्थ गेन तो करेंगे ही करेंगे, आप पॉपुलैरिटी गेन भी करेंगे और अब आपकी क्षमताओं का महत्व बहुत ज़्यादा है आपके करियर में। तो अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपने जो आपके स्किल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को काम में लेना चाहिए शनि दशा में। शनि की दशा अगर आपको बहुत लेट एज में आए
जैसे कि हो सकता है 40 की एज, 45 की एज या 50 के आसपास अगर ऐसी दशा स्टार्ट होती हो, तो ये दशा आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो पहले अपना काम जो भी किया, जिस भी फील्ड में आप रहे हैं, उसके अलावा भी फिर आप और सारे बहुत सारे ऑप्शंस को चुन सकते हैं, जहाँ पर आप पॉलिटिक्स की तरफ भी देख सकते हैं या कोई ऐसा पद भी देख सकते हैं जहाँ पर आपने पहले जो काम किया है, पहले जिस प्रोफेशन में आप रहे हैं, उसके अलावा और कोई भी अपना प्रोफेशनल फील्ड आप चुन सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपने शुरुआत में जो यंग एज में जो काम करा है जिस फील्ड में, उसकी वजह से जो आपकी रेपुटेशन रहेगी, उसके आधार पर अब आपको प्रायोरिटी मिलेगी किसी भी नए क्षेत्र में काम करने के लिए। तो ये जो शनि की स्थिति है, ये बेहद अच्छी कही जा सकती है आप लोगों के लिए। अगर आप एक अच्छी पोस्ट पर रहे हैं अपनी यंग एज में, अपनी ओल्ड एज आने तक, तो बहुत अच्छा है ये आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए, शनि इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शनि आपके सातवें भाव और आपके दसवें भाव को साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आप साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं और अपना एक जॉब भी कर रहे हैं, बट आप मेनली जो अपने जॉब है उसी पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। ऐसा हो सकता है कि शनि की दशा के दौरान आपकी सैलरी वगैरह में कोई परिवर्तन ना हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां लेकिन बहुत अधिक आ जाएं, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम को देना पड़े। अब ऐसे में कोई काम ऐसा भी हो सकता है आपका जिसमें सेम रूटीन आपको फॉलो करना पड़ रहा है डेली, और आप वो फॉलो भी आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि शनि देखिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन को, रूल रेगुलेशंस को दिखाता है। ऐसे में आप जितना ज़्यादा अपने प्रोफेशन में इन सब का यूज़ करेंगे, बहुत ही अच्छे से रिजल्ट रहेंगे अपने फैसलों में, और बहुत ही ज़्यादा अगर फोकस्ड रहेंगे तो आपको सफलता मिलने की संभावना भी उतनी अधिक बढ़ जाएगी। अब देखिए, ये जो शनि की दशा है, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो शनि का जो एस्पेक्ट है वो आपके 12वें भाव पे रहता है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि शनि आपको बार बार विदेश जाने के मौके भी दे सकता है या कहीं कोई दूर की यात्रा करने का मौका दे सकता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको शनि यहाँ पर कभी कभी खर्चों को बढ़ाने वाला होगा, कभी कभी आपको अपने घर परिवार के लिए या अपने पारिवारिक मामलों के लिए कोई बड़ा खर्चा भी करना पड़ सकता है, इवन जीवन साथी के लिए भी। फिर यहाँ शनि 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा जो शनि रहेगा, अगर ओल्ड एज में ऐसी दशा आती है तो आप कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य या ऐसा कोई भी कार्य चुन सकते हैं। शनि का एस्पेक्ट है आपके फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहने वाली है आप लोगों के लिए। ऐसा शनि वास्तव में आपको आपके घरेलू सुख में कोई कमी नहीं होने देगा, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपना बहुत कम समय अपने घरेलू जीवन को दे सकेंगे। अब ऐसा शनि आपको किसी भी काम को करने को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रखेगा, तो ऐसे में घर परिवार के मामलों में भी आप कभी कभी उतनी ही ज़्यादा रुचि दिखाएंगे जितना आप अपने प्रोफेशन में, अपने काम में रुचि दिखाते हैं। तो अब एक ये भी संभावना है कि यहाँ पर आप अपनी घरेलू जीवन को और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बहुत अच्छे बैलेंस में लेके चलेंगे। शनि उसके बाद अगर देखें तो आपके सातवें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पर फिर से वो बुध के हाउस को, बुध के घर को एस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपकी कुंडली में अब बुध की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगर यहाँ पर सातवें भाव में कोई भी अगर क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा तो ऐसा शनि आपको मेनली डिस्टर्ब करने का काम करेगा, आपकी इमेज को ख़राब कर सकता है उस सातवें भाव में बैठे हुए ग्रह की वजह से। बट अगर आपके सातवें भाव में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसकी वजह से आपकी इमेज ख़राब हो सकती है, या मान लीजिए कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो ऐसा शनि आपकी पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, आपको जीवन में जो सक्सेस मिली है उसकी वजह से आपकी एक अलग पहचान हो सकती है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जीवन साथी से जिस प्रकार का सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, उस प्रकार का सपोर्ट भी आपको आपके करियर में मिल सकता है। तो शनि की जो महादशा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करने वाली है, बट इस दशा में आप वेल्थ गेन करेंगे। आप अपने खुद की क्षमताओं पर अगर भरोसा करें तो आप कोई भी लक्ष्य ऐसा है जो आप हासिल कर सकते हैं, यानी आपके लिए कोई भी टारगेट छोटा नहीं है। लेकिन आपको क्योंकि शनि मेहनत बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, इसलिए शुरुआत में आपको हर टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा लग सकता है, लेकिन बाद में जब आप जितने करीब पहुंचते जाएंगे आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा। तो ऐसा शनि शुरुआत में तकलीफ़ें देगा आपको, शुरुआत में परेशानियां देगा और उनको आपको भुगतना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आपका शनि 10th हाउस में है और अगर आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है करियर में, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने आप पे फोकस करना और अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।